फिल्म अभिनेता वीर संजय पराशर का NURCC का सदस्य बनाए जाने पर सोनीपत पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की रेलवे से जुड़ी हॉट टीम में उन्हें चुना गया है। रेलवे से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं में हो रही समस्या से जनता को निजात दिलवाएंगे। इस अवसर पर अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज रेलवे की चार दीवारी प्लेटफॉर्म एक के अलावा अन्य प्लेटफॉर्म पर शौचालय आदि की सुविधा जैसी समस्याओं पर कार्यवाही करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए स्टेशन मास्टर के साथ टिकट चेक की व यात्रियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। हफ्ते 10 दिन में विजिट लेकर आ रहे हैं सोनीपत की और पानीपत की। ठीक है भाई, अपना काम बढ़िया करो। हाँ, किस पोजीशन में था वो? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, लेकिन सुधारो रेल को। आपने हमने मिलकर रेल को सुधारना और लोगों की समस्याएं सुनो। लोग इतने तकलीफ में हैं और हम अंदर इसी बैठे रहे हैं। लाइन के बीच में स्पोर्ट नहीं दे सकते। अच्छा, लाइन के बीच लंबा है, स्पोर्ट नहीं है। पूरा अखबार भरिया पड़िया से महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी, हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पास ली। ठीक कैसे भाई, इन भी दे रखे सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस से मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज ठाण लाग रहा से। अरे पर वो तो एकला से। ना 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 ना, ई भी एकला को ना, ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जन सेवक मंच। या तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो लोग उसके बारे में ठीक कैसे हैं। यो नेता नहीं, यो से भाई और बेटा। शासक नहीं, यो से जन सेवक है। हाँ, पर ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे। बोले तू मेरे साथ में और योले जन सेवक मंच का झंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।